भूमंडीकरण इंसान को, देश को, महाद्वीपों को डुबाने वाला महासमुद्र है। हम अगर अभी भी नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी भी क्षमा नहीं करेगी। हाउ कैन यू बाय एंड सेल द स्काई, वार्मथ ऑफ द लैंड, द आइडिया इज स्ट्रेंज टू अस। इफ यू डू नॉट ओन द फ्रेशनेस ऑफ एयर एंड द स्पार्कल ऑफ वाटर, हाउ कैन यू बाय देम फ्रॉम अस। द अर्थ डजंट बिलोंग टू मैन, मैन बिलोंग्स टू द अर्थ। पुकारे सबका मन ये पुकारे, ले 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 मजा ले ले, ना ये क्षमा बीते दिल की रिदम सुनो, ले 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 दिल की रिदम सुनो, दिल की रिदम सुनो। गोरिया तू ही तो है छाई मुझमें, गोरिया तू ही दिल में, गोरिया तू ही तो है मेरे मन में, गोरिया तू ही मेरी। जो भी चाहे तू वो कर ले, फिकर सारी छोड़ भी दे, चाहे जो तू दिल से कर ले, यही तो मंत्र है रे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमेशा जिन सात अजूबों के बारे में बात किया जाता है उसके अलावा जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, ऐसा और एक अजूबा है। ये वही भारतीय संस्कृति है जिसने 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी को सैकड़ों वर्षों से अज्ञात बंधन को बनाए रखा है। हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी मान्यताएं, सबकी एकता को बनाए रखने वाली माननीय श्रीमती सत्यभामा को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। ये पानी एक अद्भुत रचना है। आकाश से बूंद बूंद गिरकर नदी बनती है, नदी तालाब बनकर महासमुद्र बनती है, और वो भाप बनकर बरसते हैं। मेहनत करके वही पानी पसीना बनता है, और यही पसीना जीवन में खुशियां भी लाता है, और अगर मन दुखी हुआ तो आंसू भी बनता है। खूबसूरत लड़की ने अगर दिल तोड़ दिया, दिल टूट गया, तो एक कविता बनती है। इस सीख का और तुम युवकों का बहुत करीबी संबंध है। बूंद बूंद से जैसे महासमुद्र बनता है, उसी तरह तुम सब मिल जाओ तो एक शक्ति का स्वरूप बनोगे। तुम जैसे युवक के बारे में बाहर का समाज क्या सोचता है पता है तुम्हें? मुझे पता था जैसे ही मैं सवाल पूछूंगी तुम्हारे चेहरे पर क्वेश्चन मार्क आएगा, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ दृश्य लेकर आई हूँ। आइए देखते हैं। यूथ अपने स्वार्थ को छोड़कर उन्हें कुछ नहीं चाहिए। नो व्यूज। ओहो नवयुवक हैं क्या? नोट बांटने वाले वही और वोट देने वाले भी वही। अगर वो नहीं होते तो हम कहाँ होते भाई? Hey! थोड़ी गाली ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा, बॉक्स ऑफिस तबाह हो जाएगा। यूथ इज सुपर। एक समय में मेरे पीछे पड़ते थे, अभी मेरी बेटी के पीछे पड़ रहे हैं। मैं तो बॉडी गार्ड बन के रह गई हूँ। Bob is youth, youth is Bob. Weekend, high voltage, yeah. इन लोगों को यहाँ शांति से रहना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, जलसा बन गया है इनका। अब तुम सभी लोग अपने पैरों से नीचे टैप करो, यही मार्च अगर एक ब्रिज पर करोगे तो तुम्हारी गूंज के कारण, मतलब वही रेजोनेंस, वो ब्रिज टूट जाएगा इस ग्लास की तरह। तो तुम्हारी शक्ति कैसे इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल करनी है, किसके लिए इस्तेमाल करनी है, किसके लिए जीना है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये अनुभव लेने वाले हमारे कुछ युवकों के बारे में क्या तुम लोग जानना चाहोगे? Yes! Yes!
तो तुम्हें कुछ साल पीछे जाना होगा। धरती बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह फूल गई थी उस समय, जैसे धरती के दामों को पंख लग गए थे और उस पंख के साथ साथ शेयर मार्केट भी ऊपर उठ गया था। वीकेंड पार्टीज, ओवर कमिटमेंट्स, लग्जरियस लाइफस्टाइल, सिर्फ यही नहीं, लोगों की इच्छाएं बहुत बढ़ गई थी उस समय। पापा, मारुति बेच के स्कोडा ले लिया, खेत बाद में खरीद लेंगे पापा, पहले सॉफ्टवेयर रेंजर पर आना होगा, समझ गए ना पापा? बेटी, लड़का देख लिया है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, सॉफ्टवेयर जॉब है। हर लड़की के पिता को यही आशा थी कि उसका दामाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। बैंक में काम करने वाला क्यों चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखते हैं ना, तनख्वाह 50 लाख होना चाहिए। उस हाई टेक शहर में आम आदमी की कीमत मिट्टी जैसी हो गई थी। वो जूस नहीं पीते हैं, ये सॉफ्टवेयर वाले हमारे पास से नहीं खरीदते हैं, इसे शीशे में रख के एसी में रख के रेट लिखना पड़ता है। आईटी फील्ड में कोई प्रतियोगिता नहीं है, ऐसा कहने वाले लड़के रेस के घोड़े की तरह भाग रहे थे। हमारे श्रीरामपुर के गांव वालों, इलेक्शन के समय पर हमारे एमएलए श्री तुमापति प्रकाश राव और हमारे गांव में आने वाले गुलुपू पार्टी के लीडर सुलभा चिन्ना का स्वागत है। अभी अच्छा। मैं श्री सुलभा चिन्ना राव को दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। क्यों रे, मैटनी शुरू हो गई क्या? पांडे जी, श्रीनिवास राव जैसा महान बेटा हमें देकर गए हैं, ये हमारे लिए फख्र की बात है, हम खुशनसीब हैं। इतने महान बेटे को इस ZPTC इलेक्शन में खड़े रहने के लिए पार्टी की तरफ से इनवाइट किया है। उसने चाटा मारा। इस बात की पार्टी को बहुत खुशी है। अच्छा, ड्रामा कर लेते हैं, उसमें पैदा होके बड़े होने वाले ही है ना। श्री सूर्य राव जी भी कुछ कहना चाहते हैं। ये श्रीरामपुरम की जनता को देखते हुए मुझे दया आ रही है। पिछले सरपंच के इलेक्शन में हमारी पार्टी कैंडिडेट के बजाय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रामा राजू के जीतने की वजह से है। इस गांव को मिलने वाले सेंट्रल फंड्स, स्टेट फंड्स और तो और डिस्ट्रिक्ट फंड्स भी पूरा खत्म हो गया। वैसे भी किसी पार्टी में न रहते हुए बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के सरपंच बनकर इस गाँव के लिए उसने क्या किया? इस श्रीरामपुरम के लिए ऐसे निकम्मे इंसान की जरूरत है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं निकम्मा ही हूँ। इस गांव के तालाब को साफ करने को कहा जिससे 500 एकड़ की जमीन में फसल हो सकती है। चप्पल पहन के घूम घूम के थक कर आखिर में ये निकम्मा ही पूरे गांव वालों के साथ मिलकर इस तालाब को साफ किया, तब जा कर के हम 500 एकड़ पर फसल उगा पाए। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो काम सरकार को करना चाहिए वो मासूम जनता के हाथों से करवा रहे हो। अब तुम ही बताओ मैंने क्या गलत बोला, ऐसे लोगों को निकम्मा ही बोलते हैं। तो ए लच्छू, लच्छू रुक, लच्छू रुक, छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ दो मुझे, ये मारोगे मैं इसकी जान ले लूंगा, रुक इधर आ, छोड़ो मुझे, निकम्मा कहना चाहता है। क्या जाने का तू? कुछ भी कहो पर हमारे एमएलए के लिए लक्ष्मी ठीक है। मेरा अपने बेटे का फोन है मैम साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग मॉम। मॉम मत बुला, बूढ़ी को माँ बुला रहा है ऐसा लग रहा है, कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़के की तरह मम्मी कह के करेस्ट बुलाना। करेस्ट नहीं, करेक्ट। जो भी हो, वैसे मेरा बेटा क्यू में है। क्यू में नहीं, लाइन पर है। यू शट अप जी, ये बात तो करेक्ट बोलती हो तुम। बताया मैं कहाँ हूँ? बॉम्बे में है। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं भी वहीं हूँ। ये है क्या? मम्मी। अरे 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 रे, मेरा बच्चा, अब तक बॉम्बे से टॉकिंग कर रहा था, अब अप्पो। हाय अप्पो बेटे, कैसे हो तुम? अप्पो? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आपको एक सरप्राइज देने आया हूँ। कल कौन सा त्योहार है? शिवरात्रि। वो त्योहार के लिए आया है क्या? एक बार तुम्हें तुम्हारा बर्थडे कब है पूछा था तो मेरे पेरेंट्स ने लिख कर नहीं रखा है, शिवरात्रि के एक दिन पहले पैदा हुई थी ऐसा कहा था ना। सो आज आपका बर्थडे है मम्मी, हैप्पी बर्थडे मम्मी, हैप्पी बर्थडे। आसपास के गांव में किसी भी माँ के लिए किसी भी बेटे ने जितनी ग्रैंड पार्टी नहीं की होगी ना, उतनी ग्रैंड पार्टी देकर मैं लोगों को प्रूव करके दिखाना चाहता हूँ। तो बज गया इसका बैंड। मेरे बेटे को मुझसे कितना प्यार है। अरे चाचू, लूट लेगा। ये क्या हो गया भतीजे, इलेक्शन में तो नहीं घूम रहे थे? माँ का बर्थडे है ना, कैश है। कैश है क्या? तो फिर मुझे दे दो, वो ग्रैंड पार्टी मैं देख लूंगा। नकली नोट तो नहीं है ना? अब देखना मम्मी का बर्थडे कैसे मनाता हूँ, पड़ोस का जिला भी हिल जाएगा, आसपास के लोग भी देखते रहेंगे। और 3 महीने चले जाते तो नौकरी परमानेंट हो जाती। तुमने एमएलए को मारा,
उसका साला ही तुम्हारी फैक्ट्री का ऑनर है, वो अब तुम्हें नौकरी पर रखेगा क्या? नौकरी? मुझे नौकरी की कोई कमी नहीं है, मेहनत करने वालों के लिए काम की कमी नहीं होती। उससे बहस करना बेकार है, जो जी मैं करो। अंकल, अरे सॉफ्टवेयर तू कब आया? अरे अप्पराव, कैसे हो? ए, अप्पो। ए, क्या यार अंकल को इरिटेट करता है, इस गंदे पॉलिटिक्स से हमें क्या लेना देना? वो सब तो ठीक है, आज मम्मी का बर्थडे है, शाम को ग्रैंड पार्टी दे रहा हूँ। अरे चाची आइए ना, बैठिए बैठिए। कैसे हो? लीजिए ना प्लीज, लीजिए। अभी नहीं चाहिए। अरे वो सब भी ले रहे हैं, आप लीजिए ना प्लीज, लीजिए ना। ये लच्छू शारदा माँ की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है? अरे बर्थडे का थैंक यू जी, थैंक यू बर्थडे का, उनको दे रही हूँ। हेलो कौन है? हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, लगता है इसको थैंक यू कह रही है। शट अप जी, केक तो काटो। देखो भाई, ये माँ की बर्थडे पार्टी इतने शानदार तरीके से मना रहे हैं ना। सब सॉफ्टवेयर की माया है बेटा। कौन हो यार तुम लोग? सॉफ्टवेयर सर, आपका डिमांड ऐसा ही है ना? पर्सनल लोन सर, इंटरेस्ट बहुत कम है। लोन का मतलब हमारे लिए इंटरेस्ट कम ही होगा। क्रेडिट कार्ड सर, ये कार्ड अगर आपके पास होगा तो 45 दिनों तक आपको अमाउंट देने की जरूरत ही नहीं है। वही कार्ड अगर तेरे पास होता ना तो लाइफ लॉन्ग मुझे भरने की जरूरत नहीं। सर, इस फ्लैट के ओनर हो या रेंट पे? ओनर ओन पे रहता है, हम रेंट पे रहते हैं। हेलो त्रिमूर्ति, वहाँ तुम्हारा कुछ वर्कआउट नहीं होगा, कम ऑन कम ऑन, यहाँ भी सॉफ्टवेयर है। ओके ब्रदर्स, तुम क्या हो मेरे लिए? क्या है हे सूर्या? हाय लच्छू, अगर आप इतना सामान था तो फोन कर दिया होता, मैं स्टेशन पे आ जाता यार। अरे ज्यादा लगेज कहाँ है? अच्छा सुन, तूने इतनी मदद की इसीलिए जाकर इतनी अच्छी फसल हुई है, उन्होंने कहा है कि ये पहले मैं तुझे दूँ, आराम से खाना। ओके, और ये भेजा है तेरे लिए भाभी ने, इसमें मिठाई है, जी भर कर खाना। मुझे बस जॉब चाहिए यार, तू अपने लेवल पे ट्राई कर और मैं अपने लेवल पे ट्राई करता हूं। जो बता रहे हो वो बिल्कुल गलत है, सेट हो जाएगा। इसके मुंह मेरे लिए तो बताओ। ये कौन है? ये लीजिए सर, ये है क्या? ये लो आवर कमिटमेंट्स। हु इज दिस सूरी? हे, ये हमारा लच्छू है यार। हाय लच्छू। ये थोड़ा अजीब सा नहीं है? थोड़ा दूर से बात करो। वैसे एक बात कहूं मैं आपसे, मेरी इमेजिनेशन को आपने पूरा तोड़ के रख दिया। व्हाट हैपेंड? मैंने क्या कर दिया? किसी बड़ी हिंदी फिल्म के सुपरस्टार की तरह आपका लुक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो आप बिल्कुल कार्टून के कैरेक्टर लग रहे हैं। दिस इज टू मच लच्छू, तेरी तरह लंबा होता तो मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत प्रॉब्लम होती। अच्छा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स भी है क्या? ए, तो इसे कम मत समझ। हाँ, ऑफिस में इसके पीछे लड़कियां ना पागलों की तरह घूमती हैं। ऐसी बात है क्या? इसकी भी वैरायटी है क्या? रे ऑफिस में लड़कियां इसके लिए ऑक्शन करती हैं क्या? पत्ते नहीं है ये, प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड्स, ये है तो काफी है, गर्ल्स डेबिट। अच्छा? हो जाती है। हे, किचन में ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, खा लेना, और कुकर में चावल भी है। ठीक है, शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, कहीं घूमने चलेंगे। वन थिंग मिस्टर सॉफ्टवेयर, डायमंड कॉलोनी जाना होगा तो कौन सी बस पकड़नी है? तू हैदराबाद में आया नौकरी के लिए ना, या शारदा से मिलने के लिए? तू अपना काम कर। हाय पिंकी, तुझे तो पता ही है ना? भैया इस गन में कितनी गोलियां होती हैं? खरीदोगे नहीं, लेकिन अपना काम। अरे मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे। देखो भाई, तुम्हारे जैसे रोज 30 लोगों को देखता हूँ। वो देखो, वो ब्लू शर्ट वाली लड़की दिख रही है ना, उसके सामने मत देखना, उसका बॉयफ्रेंड है। उसके बगल में जो लड़की आ रही है ना, उसको बिल्कुल मत देखना, चप्पल से मारती है। अच्छा। उन दोनों के बीच में जो कोट पहनी हुई लड़की है ना, उसको बिल्कुल मत देखना। क्या? वो किसी को भाव नहीं देती यार। पर ऐसा क्यों? वो लड़की चली गई। हाय लच्छू। हे शारदा, तुम यहाँ पर कैसे? मेरा ऑफिस यही है। ओहो, तुम कब आए? एक घंटे से यही है। चुप, मुझे यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो गया है। मेरे रूम पर चलो ना, यही है। ठीक है चलो। ए, फुग्गे का पैसा? ये ले। लड़की बगल में आ गई ना, स्टाइल मारना शुरू। काम से आए हो क्या? नौकरी के लिए आया हूँ। स्पिनिंग मिल के जॉब का क्या हुआ? ओहो वो नौकरी, हमारे गांव के एमएलए को मैंने एक झापड़ मार दिया और गुस्से में आके उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम नहीं बदलोगे? पर तुम काफी बदल गई हो। मैं? हाँ, काफी खूबसूरत लग रही हो और ड्रेसिंग भी कमाल का है तुम्हारा। हे, वीकेंड का क्या प्लान है?
देखो देखो ये है जलवा 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 जलवा। ये गर्म है या नहीं? अरे इस गर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पैदा होने वाली जोड़ी की बात कर रहा हूँ। hey, क्या कर रहा है यार तू? हमेशा कीबोर्ड में लगे रहते हैं। वीकेंड प्रोग्राम की फिक्सिंग में ऑफिस पूरा प्लान बना रहा है, राजा रोजा के साथ, जाकी राखी के साथ, नीता गीता के साथ। नीता गीता के साथ? किस दुनिया में रहते हैं आप? ये लेटेस्ट ट्रेंड है। आपका फोन बज रहा है। सर, मैं बंगारू भूमि वेंचर से बात कर रहा हूँ। सर एक मिनट, आप सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज के लिए लॉन्चिंग ऑफर कर रहे हैं ना, अगर आप टाइम देंगे। हेलो, तू जिसे बता रहा है उसे भी जानता हूँ और उस धोखेबाज को भी जानता हूँ। पहले उसे होल्डिंग पे अंडरवियर के ऊपर कपड़े पहनाने को कहो, उसे ऐसे देखा नहीं जा रहा इसलिए लड़कियां शर्मा रही हैं। बागेश्वरी भूमि आरामदायक स्वर्ग है, हमारा नया वेंचर आपके लिए एक सुंदर जगह। इस वेंचर के प्रारंभ उत्सव में आए हुए सभी लोग, अपने कस्टमर्स को भगवान की तरह स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आएगा आ रहा है, आ गए आपके सामने। रियल एस्टेट का राजा, बिल्डर्स को बिल्डअप देने वाला टॉप मोस्ट बिल्डर, डी का मतलब यस कहने वाला, वन एंड वन डीएस। अपनी सुंदरता से लोगों का दिल जीतने वाली टॉलीवुड की टॉप हीरोइन एलियाना, अपने ग्लैमर से लोगों को पागल करने वाली टॉलीवुड ग्लैमर क्वीन कुमारी इनिश्का, अभी हमारा नया वेंचर आपका घर सोना के ब्रोशर को दो सुंदरियों के बीच हमारे डीएसजी खोलेंगे। अबे नारे कौन लगाएगा? ग्राम में बात करना और केजी में काम करना मेरा स्वभाव है, व्यवसाय मेरा व्रत है, रियल एस्टेट त्योहार है। जय बंगारू भूमि, जय जय बंगारू भूमि, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे देख जा रहे, चुप कराओ उसे, चुप कराओ उसे, चल ले जा बाहर ले जा। नमस्ते, देखो यहाँ पे तो बात नहीं बनी मगर आपसे मुलाकात होगी। भैया मूंगफली देना मुझे। यहाँ आसपास किसी कंपनी में जॉब खाली है क्या? अकाउंटिंग अच्छी से आती है मुझे, बीकॉम किया है मैंने। एमकॉम हूँ मैं। ओ उस्मानिया। ओ मुझे गन दिखाएगा तू? आइए चलिए बैठिए। सर इट्स ओके, वो लोग चले गए हैं। वैसे कौन था वो? मेरा छोटा भाई। छोटा भाई?
हमारे गांव में अगर कोई बड़े भाई पर हाथ उठाता है तो छोटा भाई उसको पीटता है, और फैमिली को किसी ने टच कर दिया तो पूरा गांव मिलकर उसकी धज्जियां उड़ा देता है। वैसे आप दोनों में इतना खतरनाक झगड़ा हो रहा, आखिर बात क्या है सर? जायदाद बांटकर मेरे पिताजी चले गए, अपना हिस्सा लुटा दिया और मेरा हिस्सा छीनना चाहता है। लीव इट। थैंक यू यंग मैन, थैंक यू, यू आर समथिंग डिफरेंट। क्या करते हो? नौकरी के लिए आया था सर, 1 महीने हो गए लेकिन नौकरी नहीं मिली। असल में तुम्हारे जैसे इंसान को पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए। होना चाहिए था सर, मेरा सिलेक्शन भी हो गया लेकिन पोस्टिंग के लिए 4 लाख रुपए रिश्वत मांग रहे थे, इसीलिए मैंने उन सारे ऑफिसर्स को जोरदार तमाचा मैंने मारा। ओ, तुम्हारा कैरेक्टर मुझे समझ में आ गया भाई। चल एंजॉय कर। ये नहीं बदला। कम ऑन फास्ट। यस सर। ओके सर। मैंने कहा था ना, सत्यम हमेशा राइजी होगा। अरे वो देख अप्पू को। अबे ये क्या, ये तो चड्डे में घूम रहा है। मार शॉट, जो मैंने बोला वो करेक्ट है। सूरी। तू कब आया? ये सूटकेस में क्या है? वो तो सरप्राइज देने के बारे में सोचा, अभी मेरा हैदराबाद में ट्रांसफर हो गया है। हमारे घर चलना? अरे चलना हमारे साथ। अरे मुंबई से मैंने हाउस बुक कर लिया है, शेयर ट्रेडिंग स्टाफ सब बहुत बिजी होते हैं ना, तो हमें थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए। ये बात है। ए, रात को सभी डिनर पर मिलते हैं। ठीक है ओके ठीक है ओके। क्यों रे, क्या हुआ, शॉट मारा क्या? अबे इसका पागलपन जाने वाला नहीं है, हम चलते हैं यहाँ से। चल आराम से, बाइक चला, प्लस आगे बढ़ो। बड़े चाचा, छोटे चाचा, बड़े भाई, छोटे भाई, नमस्ते। अभी भी क्या देख रहा है भाई, दस्तावेज निकाल के अंगूठा और दस्तखत करवा ले। सबको अपना अपना बैग दे दो। अंगूठा क्या है, दस्तखत क्या है? मार्केट रेट से 5 पैसा ज्यादा दे रहे हैं, तुम्हारी जमीन को सोने की जमीन बना देंगे। हम नहीं बेचेंगे। तुम अपने खेत में क्या उगा रहे हो चाचा? गन्ना। अब अगर आजकल सब लोग बिना चीनी के ही चाय कॉफी मांग रहे तो गन्ने का क्या डिमांड रहेगा? अच्छे दाम के लिए असेंबली में लोग माइक तोड़ रहे हैं, फिर भी काम नहीं हो रहा है। अखबार वगैरह नहीं पढ़ते हो क्या? वो क्या पढ़ेंगे, तुमने क्या उगाया भाई? आधा धरती के अंदर और आधा बाहर, अब तू बता बाहर कब आएगा? मेरे जीजू 30 एकड़ की भूमि बेचकर व्यवसाय व्यर्थ है ये मानकर रियल एस्टेट में पैसा लगाकर खूब कमा रहे हैं। इनसे कुछ सीखो। अरे आप क्या सोचने लगे? बताए क्यों, हमारे बच्चे कॉलेज साइकिल पे जाने चाहिए। बाइक से नहीं जाना चाहिए क्या? अपनी बेटियों के लिए सिर्फ छोटे रिश्ते देखोगे क्या? नहीं करने चाहिए क्या? बात करने के लिए मोबाइल फोन लैपटॉप नहीं चाहिए क्या? हवाई जहाज पे घूमने नहीं जाना चाहिए क्या? अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, उतारो गोनी। और तेरी तो जीजू, ये चिल्लर क्यों लेकर आए हैं? हाँ। छोटी नोट देंगे ना तो सोचेंगे ज्यादा पैसे दे रहे हैं। अगर 10 रुपए की गड्डी देते तो और ज्यादा समझते ना। ए, जब मैं प्लान बता रहा हूँ तो तू अपना दिमाग मत लगा। ये मोटा अपने फायदे के साथ साथ हमारा भी फायदा करवा रहा है, क्या कहते हो भाई? बात किए बिना नोटों के साथ आया हुआ है। हमें मंजूर है सर। अरे भाई जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जमीन स्वर्ग है। सर वो गंगाराम का बेटा प्राइवेट रूम में बैठकर सेटलमेंट कर रहा है सर, कोई बहुत मार रहा है सर, बाहर जाने को कहा तो नहीं जा रहा है। इतना बड़ा आदमी है क्या? क्या सोच रहा है बे? कर दस्तखत कर। हेलो, 10 नहीं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, यहां से बाहर निकल लेना। 1 2 3 मारो इसे। तुम लोग बातों से नहीं मानने वाले। ए कम ऑन,
वाओ, कितने सारे बॉयज हैं। लच्छू। कम ऑन बॉयज, कम ऑन। प्राइवेट रूम्स में राउंड लगाते रहना। पार्किंग एरिया से एक भी कार जानी नहीं चाहिए, ओके? चलो चलो काम पे लग जाओ। हाय शारदा, व्हाट अ सरप्राइज। चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो क्या? हाय हैंडसम। ओके, मेरे बकरे मेरे लिए वेट कर रहे हैं। सी यू। तुम यहाँ कैसे? और सबको ऑर्डर पास कर रहे हो? मैं यहाँ पे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब कर रहा हूँ। ओह कांग्रेट। थैंक यू। तुम्हें तो परफेक्ट जॉब मिल गई। हाँ, और ये सूट, तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो लच्छू। थैंक यू, चलो ना। Come on here. Hey darling. भाई, मैं उस लड़की के साथ डांस करूंगा। उसी लड़की के साथ क्यों करना है आपको? एक को किस किया, हाँ? दूसरे को हक किया। बहुत मिलनसार लगती है। तुम बहुत सेफ्टी देखते हो जीजू। जाके अपना काम देख। हाय। भूमि के। आई डोंट नो। हाय। वो तुम्हारे साथ डांस करना चाहते हैं। हाँ, सिर्फ डांस करेंगे, फुल सेफ्टी। आप कुछ मत सोचिए, फ्री नहीं है, डायमंड रिंग मिलने वाली है आपको। ब्यूटीफुल, सो स्वीट। जीजू, लड़की रेडी है, आइए। ये आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। यही है हमारे एमपी। मजा आ रहा है। हेलो, तुम्हें भी रिंग चाहिए क्या? ये रहा तुम्हारा शेक। थैंक यू। ओके, यू वेलकम। धोखेबाज सुब्बू, वो और उसका डांस। Excuse me. Hello. Hey, शारदा। Hey. तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे वो सब बाद में, पहले हैप्पी न्यू ईयर बोलो। शारदा, तुम थोड़ी सी फास्ट जा रही हो लाइफ में। लाइफ का मतलब मॉर्निंग वॉक नहीं है लच्छू, इट्स अ रेस, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। रेस में कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, इसीलिए हमेशा हमें काफी केयरफुल रहना चाहिए। तुम कुछ और कहना चाहते हो और कुछ और ही कह रहे हो। पहले तो जो तुम्हारे मन में है वो बोलो। मन की बात कहने के लिए ही तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। ओहो, न्यू ईयर पर बताना था इसीलिए इतने दिनों से छुपा कर रखा था क्या? बचपन से छुपा कर रखा था मैंने। प्यार का मतलब क्या होता है तुमसे मिलकर ही जाना है मैंने। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ शारदा। ये कहने वाले थे तुम? बचपन से मैंने तुम्हें बस एक बेस्ट फ्रेंड की तरह देखा है। अगर तुमने कुछ गलत समझा तो आई एम सो सॉरी। ठीक है, हम दोनों ने अगर प्यार करके शादी कर भी ली तो उससे क्या होगा? लेकिन अगर मैंने एमडी से प्यार करके शादी की तो जो लग्जूरियस लाइफ का मैंने सपना देखा है उसे मैं जी सकती हूँ। इसमें गलत क्या है लच्छू? तुम्हारे दिल में कुछ और है और दिमाग में कुछ और चल रहा है। तुम जिस रेस में दौड़ रही हो उस रेस में तुम अकेली रह जाओगी, और जब ऐसा हो जाएगा ना तब सिर्फ एक आदमी है जो तुम्हारा दोस्त रहेगा और वो है लच्छू, बेस्ट फ्रेंड। ऐसा फ्रेंड मुझे भूलना मत, कभी मत भूलना। बेस्ट ऑफ लक।